गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लैम्प्रे की लार्वा, जिसे हम हेमोसिट लार्वा कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। लैम्प्रे जब एगलिंग करता है, एक जो हैच होता है वो हेमोसिट लार्वा के रूप में हैच होता है। ये लार्वा करीब 10 मिलीमीटर का होता है, लेकिन ये 170 मिलीमीटर तक भी लंबा हो सकता है। ये लार्वा वर्म जैसा, कीड़े की जैसी इसकी संरचना होती है, दिखने में अपीयरेंस जो है वो कीड़े जैसा होता है, वर्म जैसा, और ये यू आकार की सुरंग बना करके समुद्र की जो मिट्टी है, रेत है, सैंड है, उसमें यू आकार की सुरंग बना के उसमें धंसा रहता है। ये काफी लंबे टाइम तक लार्वल अवस्था में मिलता है। ये 7 से 8 साल तक कंटिन्यू उसी स्थिति में, लार्वल स्थिति में ही रह सकता है, जिसके बाद ये एडल्ट में मेटामॉर्फोसाइज होता है। इसकी जो बॉडी है वो वर्म लाइक है, साथ ही यहाँ पर एक कंटिन्यूअस मीडियन डॉर्सल फिन मौजूद है। माउथ या स्टोमोडियम जो है वो एक वर्टिकल अपर्चर है, जिसके ऊपर सराउंडेड होता है ये एक सेमी सर्कुलर हुड लाइक स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को, जो सेमी सर्कुलर हुड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका अपर लिप है। आपको जैसा कि मैंने बताया, ये लैम्प्रे का लार्वा है। लैम्प्रे साइक्लोस्टोमेट है, पेट्रोमाइजोन। तो ये लैम्प्रे का लार्वा है जरूर, लेकिन इसके अंदर लैम्प्रे की तरह सेक्टोरियल माउथ नहीं है, सकर्स नहीं है, साथ ही साथ इसमें टीथ भी नहीं है, जो कि एडल्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ कुछ एम्फियोक्सिस की तरह का ओरल अपरेटस इसमें हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टीथ नहीं है, सकर नहीं है, उसकी बजाय एक स्टोमोडियम है जो कि कवर हो रहा है लिप्स के जरिए, सेमी सर्कुलर लिप के जरिए। यहाँ पर बकल टेंटिकल्स मौजूद है, जो ओरल अपर्चर है उसके चारों तरफ बकल टेंटिकल मौजूद है। टेंटिकल के पीछे की तरफ हम जाएं और फेरिंग से एंटीरियर वॉल की तरफ जाएं, जहां ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहां हमें एम्फियोक्सिस की तरह ही वीलम देखने को मिल रहा है। यहां पर फेरिंग्स में आप यहाँ देखेंगे इंडो स्टाइल भी मौजूद है, जो कि एडल्ट में नहीं होती, और पेरी फेरिंजियल ग्रुप्स भी मौजूद है यहाँ पर। यहाँ जो फीरिंग करंट है वो मसल्स के जरिए प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर एक छोटा लीवर मौजूद है, इसके अलावा बाइल डक्ट मौजूद है, गॉल ब्लेडर मौजूद है, जो कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान, गॉल ब्लेडर जो कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हेड रीजन जो है हम उसको डिमार्केट नहीं कर सकते बाकी रीजन से, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, लेकिन यहाँ पर एक मीडियन नॉस्ट्रिल मौजूद है, साथ ही साथ एक अंडर डेवलप्ड रूडिमेंट्री
आई मौजूद है, ट्रंक रीजन जो इसके पीछे का रीजन है, इस ट्रंक रीजन में देखें तो इंटीरियर पोर्शन में यहाँ पर हमें सेवन पेयर ऑफ ब्रैंकियल अपर्चर्स देखने को मिलेंगे। अमोसिट लार्वा में एक और जो खास बात देखने को मिलेगी वो है कि इसमें फंक्शनल प्रोनेफ्रोस होते हैं। क्योंकि आप एडल्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको मेटानेफ्रोस भी देखने को मिलेंगे। मेटामॉर्फोसिस की जो प्रक्रिया है, लार्वा बेहद लंबे समय, जैसा कि हमने बताया 7 से 8 साल तक लार्वल अवस्था में ही रहता है, उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो माउथ है वो चेंज होता है, जो स्टोमोडियम है वो परिवर्तित होता है और परिवर्तित होके एक सेक्टोरियल फनल के रूप में डेवलप होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो लैम्प्रे है उसके अंदर जो माउथ होता है वो सेक्टोरियल होता है, सक करने योग्य होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो एडल्ट पेट्रोमाइजन है वो इक्टोपेरासाइट है, फिश के ऊपर इक्टोपेरासाइट है, फिश की जो अंडर सरफेस है उस पर सेक्टोरियल बकल फनल के माध्यम से ये जुड़ता है और साथ ही साथ इसमें एक रास्पिंग टंग होती है जिससे ये फिश का जो मीट है, फ्लैश है, उसको स्क्रैच ऑफ करता रहता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि जो मार्जिन है लिप्स की, यहाँ आपने ओरल टेंटिकल देखे हैं अमोसिट लार्वा में, हाँ आप देखेंगे कि जो मार्जिन है वो पेपिलेटेड होती है और साथ ही साथ इसमें टीथ अवेलेबल है, टीथ जो है वो कट करने के लिए, यानी कि जो स्किन है उसको कट करने का यहाँ पर काम करेंगे। तो ये भी चीज एडल्ट के अंदर मौजूद है, लार्वा के अंदर टीथ मौजूद नहीं है। तो जो बक्कल रीजन है वो भी इसमें इलोंगेट होने लगता है, ताकि जो रास्पिंग टंग है उसको अकोमोडेट किया जा सके। जो ओरल टेंटिकल है, जो यहाँ पर आप टेंटिकल देख रहे थे, वो अब रिप्लेस हो रहे हैं टीथ के जरिए। और आपको ये चीज और मैं याद दिला दूं कि जो टीथ है वो डेफिनेट रो के अंदर, निश्चित पंक्तियों के अंदर इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें आपने खासतौर पे जो सुप्रा ओरल टीथ जो माउथ के जस्ट ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट मौजूद होती है, इसके अलावा लेटरल टीथ मौजूद होते हैं इसके अंदर। और खास बात ये भी है कि इसमें जॉ एब्सेंट होते हैं, जॉ नहीं होते, लेकिन टीथ मौजूद होते हैं, ये हॉर्नी होते हैं, एपिडर्मल होते हैं, इनका शेप जो होता है वो कॉनिकल होता है और ये अगर वर्न आउट हो जाते हैं तो इसी स्थिति में रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो जो ये टीथ एडल्ट के अंदर हम देख रहे हैं, जो टेंटिकल हैं उनको रिप्लेस होकर के टीथ बन रहा है। वीलम जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको बताया, वीलम स्ट्रक्चर एडल्ट में रिड्यूस हो जाता है, फेरिंजियल रीजन में स्केलेटन डेवलप होता है ताकि वो फिल्टर फॉर्म हो सके, आईज प्रोमिनेंट होने लगती है, जो नेसो हाइपोफेरिंजियल सैक है वो इनलार्ज होने लगता है, इंडो स्टाइल जो है, महत्वपूर्ण बात है, इंडो स्टाइल थायराइड में
परिवर्तित हो जाती है और जो कंटिन्यूअस डॉर्सल फिन आप देख रहे हैं मीडियल डॉर्सल फिन, तो वो दो डॉर्सल और एक कॉडल के अंदर बट जाती है। नाउ इस लार्वा का क्या सिग्निफिकेंस है? ये लार्वा बहुत अधिक फाइलोजेनेटिक इंटरेस्ट सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि ये एग्जिबिट करता है कई प्रिमिटिव या जनरलाइज कॉर्डेट करेक्टर को और रिजेंबल करता है एम्फियोक्सिस के साथ में। तो यहां पर साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि यहाँ बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि इंडो स्टाइल से पेट्रोमाइसन एडल्ट में थायराइड ग्लैंड बनी है और साथ ही साथ ये जो थायराइड ग्लैंड जो एमेसिट पेट्रोमाइसन में डेवलप हो रही है वो अदर वर्टिब्रेट से सिमिलर है। तो इस प्रकार हम एमोसिट की स्टडी करके ये पता लगा पाते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके ट्रेसेस इंडो स्टाइल में है, जो इंडो स्टाइल है वो परिवर्तित होके थायराइड ग्लैंड बना रही है। तो इस तरीके से एमोसिट लार्वा का बहुत अधिक फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है। ये पेट्रोमाइसन का लैम्प्रे का लार्वा है जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड 7 से 8 वर्ष लार्वल स्टेज में ही रहता है। तो एक समय ऐसा भी था जब इसे एडल्ट ही मान लिया गया था कि ये एक स्पीसीज है, बाद में ये पता लगा कि ये एक स्पीसीज नहीं लार्वल फॉर्म है। धन्यवाद।